आपकी एक छोटी सी गलती आपका खाता खाली कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। अगर आपका SBI में अकाउंट है तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही बड़े स्कैम की जो कि SBI के अंदर चल रहा है। SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चाइनीज हैकर जो हैं वो अलग अलग तरीके से खाता धारकों को निशाना बना रहे हैं, लाइक फिशिंग अटैक कर रहे हैं। ओवरऑल चाइनीज हैकर्स जो हैं वो ऐसे मेथड्स का यूज कर रहे हैं जिससे खाता धारकों का अकाउंट हैक हो जाए और उनके अकाउंट से पैसे निकाले जा सके। आपको बता दें कि जो चाइनीज हैकर्स हैं उन लोगों का एक ग्रुप होता है और वो लोग मिशन बनाते हैं कि SBI के इतने इतने यूजर्स को टारगेटेड अटैक करना है। तो सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं कि आपको एक लिंक भेजते हैं और उस लिंक के साथ लिखा होता है कि SBI की तरफ से आपको फ्री में गिफ्ट मिल रहे हैं। गिफ्ट में लाइक जो भी घरेलू सामान होते हैं जैसे प्रेशर कुकर, ग्राइंडर, मिक्सर मशीन वगैरह। तो ऐसे में आप लालच में आकर उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं तो फिर आपकी पर्सनल डिटेल्स उसके पास चली जाती है। किसके पास? हैकर के पास। इसलिए ध्यान में रखें इस बात को कि SBI कभी भी फ्री में गिफ्ट नहीं देता है और आप कभी भी किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें। और कभी कॉल आई कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपका अकाउंट बंद होने वाला है, उसे रिन्यू करने के लिए आपको कुछ जानकारी देनी होगी, नहीं तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। अगर आप अपने अकाउंट को चालू रखना चाहते हैं तो कुछ जानकारी दें। तो ऐसे में इंसान घबरा जाता है और अब सारी जानकारी दे देता है, मतलब कॉल पे ही पूरी जानकारी दे देता है, जिससे उसका अकाउंट हो जाता है हैक। इसलिए ध्यान में रखें इस बात को कि कभी भी फोन पे अपनी पर्सनल डिटेल्स नहीं देनी है। अगर कोई भी इशू होता है तो आप डायरेक्टली बैंक में जाके बात कीजिए। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस किया है, ये जो फ्रॉड कॉल्स आते हैं ये तब ज्यादा आते हैं जब आप अपने अकाउंट के साथ कुछ चेंजेस वगैरह करते हैं। मैं किसी एक बैंक का नाम नहीं ले रहा, ऐसे कई बैंकों में ये चीज देखा गया है कि ये जो फ्रॉड कॉल्स आते हैं और कहते हैं कि मैं बैंक से बोल रहा हूं, आपका अकाउंट बंद होने वाला है, उसे रिन्यू कराने के लिए आप अकाउंट से जुड़ी कुछ जानकारी दें, नहीं तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। तो ये जो फ्रॉड कॉल्स हैं ये तब ज्यादा आए हैं जब लोगों ने अकाउंट के साथ कुछ चेंजेस वगैरह किए हों, लाइक मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए हो या फिर KYC फॉर्म के लिए दिए हों, उन लोगों के पास ऐसे कॉल्स आए हैं। तो ऐसा हो सकता है कि बैंक के कर्मचारी ही उन स्कैमर्स के साथ मिले हों, जिससे लोग जो भी अकाउंट में चेंजेस वगैरह कर रहे हों, लाइक मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए दिए हों, तो फिर वो मोबाइल नंबर उन स्कैमर के पास भेज देते हैं। तभी तो आपके पास कॉल आता है कि मैं फला फला बैंक से बोल रहा हूँ, आपका अकाउंट बंद होने वाला है। एक बार फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं किसी एक बैंक का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैंने सिर्फ पॉसिबिलिटीज की बात कही है। खैर, अगर आप अपने बैंक अकाउंट को पूरी तरह से बचाना चाहते हैं तो इसके लिए आप ये वीडियो देखें। दोस्तों, ये वीडियो मैंने तब बनाई थी जब मैंने एक फेसबुक पे एक वीडियो देखा था, लगभग 4-5 मिनट का वीडियो था, व्हाइट हैट हैकर का, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, पुलिस होते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन्होंने हैकिंग के बारे में गलत बताया था। फिर मैंने सोचा कि इससे अच्छा तो मैं बता सकता हूँ, वो भी आसान भाषा में। तब जाके मैंने ये वीडियो बनाई है। ये वीडियो लगभग 17 मिनट के आसपास का है, ये फुल्ली डेडिकेटेड वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को जाके जरूर देखें। अगर कोई भी सवाल है, सुझाव है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मुझे आपके कमेंट जाने का इंतजार रहेगा। अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे इस टेक्निकल मेहता यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।